स्वागत करता हूं प्रश्न पत्र गंगा के इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एनटीए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ हायर, इसका तैयारी करेंगे। और देखिए, पहला प्रश्न है अपना ऋग्वेदीय नासदीय सूक्तस्य, देखते रहिएगा भैया, है ना, बढ़िया से देखिएगा। ऋग्वेदीय नासदीय सूक्तस्य 10:129, क्या लिखा है, 10:129 इत्यस्य ऋषिरस्ति, इसके ऋषु ऋषि कौन है, ऐसा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऋषि पूछ रहे हैं, तो कौन है, ए प्रजापति है कि सुकीर्ति है कि कक्षी काक्षी बता है कि यज्ञ प्राजापत्य है कि कुलमल बरहिषा है, ये पूछा जा रहा है। तो परमेष्ठी प्रजापति जो क्या है, इसके ऋषि है, कौन है, ऋग्वेदी नासदीय सूक्त, नासदी जैसे अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, मधुच्छंदा है, और प्रथम जो मंडल है उसके कौन है ऋषि है, शतार्चिन है। उसी तरीके से पूछ रहा है कि ऋग्वेदीय नासदीय सूक्त के ऋषि कौन है, तो प्रजापति परमेष्ठी है, प्रजापति परमेष्ठी है, बहुत सुंदर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दो नंबर प्रश्न है और यहाँ लिखा हुआ है अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते 12:1, है ना, कति मंत्राः सन्ति, कितने मंत्र हैं अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में, कितने मंत्र हैं, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कितने मंत्र हैं भैया, सबसे ज्यादा है 63। पृथ्वी के धारक 8 तत्वों की चर्चा वहीं पे की गई पहले मंत्र में, ठीक है, पृथ्वी के धारक 8 तत्वों की चर्चा जो है इसी सूक्त में की गई है। अग्नि सूक्त में आपके कितने मंत्र हैं, 9 मंत्र हैं, आप जानते ही हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न लिखा है सृष्ट्युत्पत्ति विषयकम्, सृष्ट्युत्पत्ति विषयकम् सूक्तमस्ति ऋग्वेदे, सृष्ट्युत्पत्ति विषयक सूक्त है ऋग्वेद में, कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त है, कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त है। अग्नि सूक्त कितने नंबर पे, 1:1, ठीक है, और इंद्र सूक्त 2:12, वाक सूक्त 10:125, और पुरुष सूक्त पर प्रश्न का आंसर ये है सृष्टि विषयक सूक्त कौन सा है ऋग्वेद में, वो पूछ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, पुरुष सूक्त हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है शुनः शेपम इत्याख्यानम कस्मिन ग्रंथे प्राप्यते, शुनः शेपाख्यान जो है यह किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, ऐसा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, शुनः शेपाख्यान किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, कौशीतकी में, कौशीतकी का ही अपर नाम क्या है, शंखायन है, ये ऋग्वेद के क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशीतकी का ही, हाँ थोड़ा बड़ा कर लें, हमारे सर बोल रहे हैं बड़ा किए ले, रुकिए देखिए, तो देखिए हो गया बड़ा, तो कौशीतकी ब्राह्मण का ही अपर नाम क्या है भैया, शंखायन ब्राह्मण नाम है। एक है ऐतरेय ब्राह्मण, किसका है, ऋग्वेद का, कौशीतकी ब्राह्मण ऋग्वेद का, सामविधान ब्राह्मण सामवेद का, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का, ऐतरेय आरण्यक किसका है, ऋग्वेद का, पर ये पूछ रहा है कि ये शुनाशेप आख्यान जो है कहाँ है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में, कहाँ है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, ऐतरेय ब्राह्मण में, बिल्कुल सही, शुनाशेप आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, अगला देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न है ये और यहाँ लिखा हुआ है महर्षिणा, महर्षिणा दयानंदेन कस्य वेदस्य भाष्यम कृतम, दयानंद जी हुए आर्य समाज के संस्थापक थे, परम पवित्र आचार्य थे, इनके आचारों से ही आज जो है एक नया संप्रदाय उभर के आया है, और इन्होंने क्या किया, कौन से वेद पे भाष्य किया, हम थोड़ा ज्यादा लांग लपेट कर दिए, वाजसनेयी माध्यंदन संहिता पे, किस पे, माध्यंदन संहिता वाजसनेयी पे, ठीक है, और इस तरह जो है आप जान सकते हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न है और यहाँ लिखा हुआ है शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून, है ना, क्या लिखा है, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून पशून हस्ते हिरण्यमश्वान, हिरण्यमश्वान इति कथनमस्ति, किसका कथन है, वाजस्रवसा ने कहा कि नचिकेता ने कहा कि यमराज ने कहा कि याज्ञवल्क ने कहा, भैया ये किसने कहा, यमराज ने कहा, किसने कहा, यमराज ने कहा है कि शतायुषः पुत्र पौत्रान्वणीश्व, सहस्रो पुत्र पौत्र को ले लो, बहून पशून हस्ती पशु और हाथियों को ले लो, कहता है भैया नहीं, हमको अग्नि विद्या चाहिए, नचिकेता और यम कथानक याद करिए, यम बोलता है इसको, ठीक है, लालच दिखाता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न है,
यहाँ लिखा हुआ है अधोम कितेसु एकम असत्यम अस्ति, कोई एक जो है वो क्या है असत्य है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो वो असत्य कौन सा है ये आपको बताना है। पूछ रहे विद्याम चा अविद्याम चा यस्तद वेदो भयम साहित ईशावास्योपनिषद, सही है ठीक है। ईशोपनिषद तैतरीय शाखा यहाँ वर्तते गलत है, ईशोपनिषद जो है वह तैतरीय शाखा का है या गलत है भाई। ईशोपनिषद जो है माध्यान्दिनी शाखा का है, 40वां अध्याय है। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद बिल्कुल सही, बृहदारण्यकोपनिषद में है। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद कहाँ है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सुनस्योपाख्यान कहाँ है, ऐत्रेय ब्राह्मण में है, यह भी सही है। और नचिकेतसा वर्णनम कठोपनिषद ही वर्तते, यह भी सही है। शिक्षा के बारे में तैत्रीय ब्राह्मण में आया है, यह भी सही है। परंतु ईसा ईशोपनिषद तैत्रीय शाखा का ये सही नहीं है ठीक है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते। भैया समझ में आया, इसका आंसर बता दिए है ना, बी वाला क्या है, बी वाला ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा 8 नंबर प्रश्न है और यहाँ लिखा हुआ है शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते, बिल्कुल गलत। शिक्षावल्ली कहाँ है, तैतरीयोपनिषद में है। और शिक्षावल्याम गुरु संबंधितो व्यवहारो निरूपिता, भैया ये तो सही है पर पहला वाला गलत है। तो का असत्यम खा सत्यम, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा बताइए, सही कह रहे हैं आचार्य, ये सही हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत इत्युद्धरणम कुत्र वर्तते। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत कहाँ पे आया है, तो भैया केनोपनिषद में आया। केनोपनिषद किसका है, सामवेद का है। कठोपनिषद किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का। तैतरीय शाखा का, तैतरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद ठीक है भैया। और आया कहाँ है, कठोपनिषद में आया, कहाँ है उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत कृष्ण यजुर्वेद ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है और यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम के न सह, अधोलिखिता नाम के न सह, अधोलिखिता नाम के न सह कस्य संबंध है इति समीचीनाम तालिकाम, किसका किसके साथ संबंध है बताना है। मा गृधा कस्य सुविद्धा नाम मा ईशावास्योपनिषद ठीक है। अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः तैत्तिरीयोपनिषद ठीक है। अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः तैत्तिरीयोपनिषद उमायाः उपदेशः केनोपनिषद ठीक है। आत्मा वारे द्रष्टव्यो मन्तव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः बृहदारण्यकोपनिषद, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही है आचार्य। अब केनोपनिषद किसका है, सामवेद का, बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का, ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का, तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का, हो गया। आगे चलें, ऑप्शनों बता दे रहे हैं, ऑप्शन कौन सा भैया बताइए, इसके अनुसार कौन सा हो जा रहा है, डी हो जाएगा ना ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा है षड वेदांगेशु किम न गण्यते। षड वेदांग में भैया शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष ये सब आता है, मीमांसा नहीं आता है। तो मीमांसा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये डायरेक्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जहाँ देखिए बताने के हस्तौ कल्पोत्पठ्य थे छंद है ना, छंदा पादौ तो वेदस्य निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, मीमांसा के मुच्यते पता नहीं भैया। आइए अगले वाले में चलते हैं। बाराया यास्क मते पदानाम प्रकाराः कति भवन्ति, पद के चत्वारि पद जाता नहीं, ऐसा पद के प्रकार पूछ रहा है, कितने होते हैं यास्क के मत में, पद के प्रकार होते हैं 4 होते हैं, नामाख्याते उपसर्ग निपाताश्च। आइए अगले वाले पे चलते हैं। 13 नंबर देखिएगा, षड्भाव विकारेषु कतमो नास्ति जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते। भैया जायते अस्ति, जायते है अस्ति है, विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति है, स्मरति नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है और देखिए याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धा अस्ति यजुर्वेदेन, सही है ठीक है। मांडू की शिक्षा मांडू के शिक्षा अथर्ववेद, वासिष्ठी शिक्षा ऋग्वेद, क्वचित यजुर्वेद के भी अंश उसमें आए हैं कुछ ठीक है।
यजुर्वेद की तो बहुत 25-26 शिक्षाएं हैं। ठीक है, आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न है, लिखा है नैगम कांडम कस्मिन ग्रंथे वर्तते। नैगम कांड जो है किस ग्रंथ में, निरुक्त में है, कहाँ है? नैगम कांड जो है वो निरुक्त में है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा है कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति भाष्य वार्तिके नित्य पर्याय वाची सिद्ध शब्द एव वो पातो न त्व संदिग्धो नित्य शब्दस्तत्र को हेतु। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति भाष्य वार्तिके, भाष्य के वार्तिक में नित्य पर्याय वाची जो है वो सिद्ध शब्द है, एव उपात्तः कहा गया है, न तु असंदिग्धो ना कि असंदिग्ध कहा गया है, नित्य शब्दस्तत्र को हेतु, नित्य शब्द है यदि तो वहां पे हेतु कौन है, नित्य शब्द हा तत्र को हेतु, तो कह रहे हैं कि नित्य पर्यायिणः, नित्य नित्य पर्यायिणः सिद्ध शब्दस्य मंगलार्थत्वादपि। वन डी वाला सही है आचार्य। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, देखिएगा अगला 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिया है वृत्ति समवायार्थो, वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेशः इत्यत्र समवाय शब्दस्य को अर्थः। कह रहे हैं कि वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेश, वृत्ति के समवायार्थ वर्णों का उपदेश है, इत्यत्र समवाय, यहाँ पे समवाय शब्द का अर्थ क्या है, समवाय शब्द का आपसे अर्थ पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वर्णानामानुपूर्वेण सन्निवेशः, वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेशः, ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखितेषु अधोलिखित प्रयोगेषु इणः शीध्वं लुङ् लिटां ध्वंगात्, इणः शीध्वं लुङ् लिटां ध्वंगात् इति भ्वादिगणीय सूत्रस्योदाहरणं किम् अस्ति, सूत्र का उदाहरण क्या है, इणाशेध्वं लुंगलिटां ध्वंगात् इति भ्वादिगणीय सूत्रस्य उदाहरणं किम् अस्ति, एधान चक्रिढ्वे, क्या उदाहरण है इसका, ये सिद्धि से पूछा गया, एधान चक्रिढ्वे इसका उदाहरण है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ है 19 नंबर प्रश्न, यहाँ दिया गया है एषु शुद्धो मत्वर्थीयः प्रयोगः कः, यहाँ शुद्ध शुद्ध मत्वर्थीय प्रयोग क्या है पूछ रहे हैं आपसे, तो विद्युतवान है, क्या प्रयोग है, विद्युतवान प्रयोग है, शुद्ध प्रयोग क्या हो जाएगा, विद्युतवान, ये वाला सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा है वास्तव्यः इत्यत्र वसधातोः तव्यत् प्रत्ययो भवति कस्मिन्नर्थे, वास्तव्यः इत्यत्र वसधातोः तव्यत् प्रत्ययो भवति कस्मिन्नर्थे, वास्तव्य लिखा है इत्यत्र वस धातु से तव्यत् प्रत्यय होता है किस अर्थ में होता है, कर्तरी अर्थ में, कर्मणि अर्थ में, भाव अर्थ में या स्वार्थ में होता है, देखिए आचार्य कर्तरी अर्थ में होता है, किस में होता है, कर्तरी अर्थ में होता है। ये अगले प्रश्न पर चलिए, 21 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया है, यहाँ लिखा है निम्नलिखितेशो शब्देशो अर्थ संकोच से उदाहरण किम, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, इतनी सारी चीजों के कुछ उदाहरण होते हैं, अर्थ संकोच का उदाहरण कि भाई अर्थ जो था अब वो अर्थ जो है संकुचित हो चुका है, कम अर्थ में हो चुका है ना, तो अब क्या करें, कौन सिंह है कि वृक है कि कुशलः है कि मृगः है, ये आपको बताना है, तो मृग मृग शब्द जो है अब संकुचितार्थ में चला गया, किसमें चला गया है, संकुचितार्थ में चला गया है, किसमें चला गया है, संकुचितार्थ में चला गया है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, है ना आचार्य जी, कोई संशय, हाँ, निम्नलिखितेषु को ध्वनि महाप्राणो नास्ति, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है पूछ रहे हैं ऐसा, ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो कौन सी महाप्राण नहीं है, ये ठीक है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है ऐश्वर्यम कस्य लक्षणं भवति, ऐश्वर्य किसका लक्षण होता है पूछ रहे हैं, सत्वम लघु प्रकाश चकमिष्टम उपष्टम्बकं चलञ्च रजः, उपष्टम्बकं चलञ्च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः,
ऐसा सांख्यकारिका में आया है। तो 23 नंबर पूछ रहे हैं कि ऐश्वर्य जो लक्षण है वो किसका होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐश्वर्य सत्व का होता है, किसका होता है, सत्व का ऐश्वर्य होता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, लिखा है वेदांत सारानुसारम तितिक्षायाः किम लक्षणम अस्ति, तितिक्षा का लक्षण क्या है। तो कह रहे हैं शीतोष्णादि द्वंद सहिष्णुता तितिक्षा, शीत उष्ण इन द्वंद्वों को सहन करने का सामर्थ्य, ठंड में ठंड न लगे, गर्मी में गर्मी न लगे, भूख में भूख न लगे, यही तितिक्षा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न है यहाँ दिया हुआ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति जैमिनीय सूत्रे वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं को ब्रूते। कह रहे हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति जैमिनीय सूत्रे वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं को ब्रूते, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या क्या ब्रूते, अतः शब्द कौन, अतः शब्दस्तु दृष्टार्थत्वं ब्रूते, है ना। तो ये वाला जो बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी एक और चीज याद आ गई मुझे, अथा तो अथ क्या है, अथ प्रयोजना लक्षणो अर्थो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो लक्षणो धर्म, वेद प्रतिपाद्य वहां पे क्यों किया, ऐसा आपको जिज्ञासा, मान ली पूछ ले वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, तो वेद प्रतिपाद्य शब्द किमर्थम किस लिए यहाँ पे दिया गया है। तो कहा गया भोजनादोति व्याप्ति व्यारणाय, फिर कहा प्रयोजनवत इस शब्द को, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत, प्रयोजनवत इस शब्द को क्यों दिया। तो कहा शेनादौ अतिव्याप्ति, शेनाद याग की अतिव्याप्ति वारणाय, प्रयोजनवान होना चाहिए। प्रयोजनवान से अभिप्राय ये है, मान लीजिए शेन याग करने से आप अपनी शत्रु रूपी हत्या का अभीष्ट फल पा लेंगे, और मान लीजिए वो बाद में मरने का जो हत्या रूपी पाप आपको लगा, तो छीणे पुण्य फिर मर्त्यलोके विसंति, फिर आप आएंगे मर्त्यलोक में, आप अभीष्ट तो पा पाएंगे, पा जाएंगे, पर पाप के भागी होंगे, उस पाप के चलते फिर मर्त्यलोक में आपको आना पड़ेगा, फिर नरकादि में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है एक दिया वेद प्रतिपाद्य भोजन आदि में अति व्याप्ति की, वहां कहता ना नकलंजम भक्षयेत, मांस नहीं खाना चाहिए। तो वेद प्रतिपाद्य शब्द इसलिए दिया है भोजनादि में अति व्याप्ति न चली जाए, और प्रयोजनवत ये शब्द इसलिए दिया गया है कि शेनादियाग में अतिव्याप्ति न चला जाए, इसीलिए प्रयोजनवत दिया, ऐसा धर्म का लक्षण बताया है। आइए अब अगले शब्द पे चलते हैं। तो आपने जान लिया कि दृष्टार्थत्वम अतः शब्द ब्रूते, ऐसा आपने जान लिया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर प्रश्न है ना, कह रहे आदित्यो यूपहा, आदित्यो यूपहा ऐसा कह रहे हैं कि इत्यत्र किम विधो अर्थवादः। तो कह रहे आदित्यो यूपहा, यहाँ जो क्या है गुणवाद है, क्या है गुणवाद है, आदित्य उपायित्र किम विदो अर्थवाद होता है ना, भूतार्थवाद अनुवाद निषेध शेषा गुणवाद, तो गुणवाद है यहाँ पे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिएगा 27 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित इत्युक्ते कस्य विषये। तो महाभारत के विषय में, किसके विषय में, देखिए सही कह रहे हैं ना, महाभारत के विषय में। आइए अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते, भीष्म पर्व में, कहाँ है, भीष्म पर्व में। आइए अगले प्रश्न पर चलें, यही पूछा था, सही आंसर दिए, देखिए वाह। 29 नंबर, वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्ठ यज्ञ पुरोहितः आसीत, पुरोहित कौन था ऐसा पूछ रहे हैं आपसे। तो आप कौन, ऋष्यशृंग थे, शांता के पति, द हस्बैंड ऑफ शांता, और शांता कौन थी, राम की बहनिया थी, दशरथ की पुत्री थी, ठीक है, समझ गए ना भैया, राम जी की बहन, दशरथ की बेटी, और ऋष्यशृंग की वाइफ, और ऋष्यशृंग क्या थे, पुरोहित थे, ठीक है। आइए राम जी के जीजा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, वाल्मीकि रामायणानुसारम शंबुकः केन हता, शंबुक किसके द्वारा मारा गया, ऐसा आपसे पूछ रहे, तो राम के द्वारा मारा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आइए 31 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा है महापुराणेषु नगण्यते, महापुराणों में एकाम्र पुराण नहीं गिना जाता है, बाकी जो है ब्रह्मांड पुराण है ना, लिंग पुराण है, पद्म पुराण है, पर ये नहीं है, तो ये वाला कट गया, हुआ ना सही।
आइए इस पे ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। 32 32 देखिए, कौटली अर्थ कौटिल्य अनुसार मानवाह काम विद्याम पृथक न मन्यते मन्यन्ते। कौटली के अनुसार कौन सी विद्या पृथक नहीं मानी? आन्वीक्ष की त्रयी वार्ताम दंड नीतिश्च शाश्वतीम। कहा आन्वीक्षिकी को, किसको? आन्वीक्षिकी को, कहीं देखिए मक्खी रानी बैठ गई हैं, ये बड़ा परेशान करती हैं। तो हम यहाँ है ना, ये हो गया पहला वाला सही हो गया ना, आन्वीक्ष के। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है, कौटिल्यानुसारम त्रयीम के संवरण मात्र मन्यन्ते। केवल केवल त्रयी जो है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, संवरण मात्र केवल कौन मानता है? 33 नंबर प्रश्न है। तो कहते हैं संवरण मात्र जो है बारहस्पत्य मानते हैं। कौन मानते हैं? बारहस्पत्य मानते हैं, ऐसा बता रहे हैं। सही है, बिल्कुल संवरण मात्रम सही हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है, और 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा, मनुसंहितानुसारम, कितनी दुष्ट है फिर आ गई, मनुसंहितानुसारम एषु किम ब्राह्मणस्य कर्म न भवति। ब्राह्मण का कर्म कौन सा नहीं है? अध्यापन ब्राह्मण का कर्म है, यजन ब्राह्मण का कर्म है, याजन ब्राह्मण का कर्म है, प्रजारक्षण क्षत्रिय का कर्म है, तो ये वाला नहीं होगा। सही बता रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, 35 नंबर पे आइए। लिखा है देखिए, लिखा है यहाँ पे, मनुसंहिता अनुसारम सचिवानाम संख्या भवति 7 से 8 होती। कितनी होती है? 7 से 8। सही कह रहे हैं, मनुसंहिता में सचिवों की संख्या कितनी होती है? 7 से 8 होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार रिक्त स्थान में कौन सा शब्द उपयुक्त है? इतने शब्द दे दिए हैं, तो कह रहे हैं दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यम विधीयते। दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यम विधीयते। बी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है, रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम। रघुवंश के 14वें सर्ग का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 37 नंबर प्रश्न है और पूछा जा रहा है रघुवंश के चतुर्दश सर्ग का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो कहते सीता परित्याग। क्या नाम है? सीता परित्याग, सीतायाः परित्याग। आइए 38 नंबर प्रश्न देखिए, अति दुर्धरो बांधवस्नेहः सर्वप्रमाथि। अति दुर्धरो बांधवस्नेहः सर्वप्रमाथि हर्षचरिते ये मुक्तिर भवति। किसकी उक्ति है? तो कह रहे हैं कि प्रभाकर वर्धन की उक्ति है। किसकी है? प्रभाकर वर्धन की उक्ति है हर्षचरित में। आइए अगले प्रश्न पर चलें, 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि तालिका मिलाएं। हाँ, तालिका मिलाने के लिए बोल रहा है और कह रहे हैं कि तालिका मिला दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा, यानी कि काका तीन, काका तीन हो जाएगा। आइए, मतलब अनंग गोय मनंगत्वा मध्य निंदिष्यति ध्रुवम। अनंग गोय मनंगत्वा मध्य निंदिष्यति ध्रुवम कहाँ है? रत्नावली में। कहाँ है? रत्नावली में है। और खाका चार कह रहे हैं कि अभिज्ञान से उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम। अभिज्ञान शाकुंतल गा का एक देखिए, प्रभवति शुचिर बिंब ग्राहे मणिर्नमृदादयः। प्रभवति शुचिर बिंबग्राहे मणिर्नमृदादयः। प्रभवति शुचिर बिंबग्राहे मणिर्नमृदादयः। उत्तर रामचरितम में, ठीक है। आइए घा का देखिए कौन सा हो जाएगा? एक। घा का कौन सा हो जाएगा? घा का सेकंड। हाँ, घा का सेकंड हो जाएगा। कादंबरी, नहि क्षुद्र निर्घात पाता भीता चलति वसुधा
देखिए गद्य टाइप का लग रहा है, नहि क्षुद्र निर्घात पाता भीहता चलति वसुधा, गद्य पहचानिए, लगा दीजिए यदि कहीं गद्य आ जाए आपके, गद्य कादंबरी लगा है, महाश्वेता वृत्तांत है। आइए 31 नंबर में आ जाइए, 40 40 हुआ है। अखंडेशु कारणेशु वचः विशेषोक्तिरखंडेशु कारणेषु फलावचः, है कि नहीं? विशेषोक्तिरखंडेशु कारणेषु फलावचः, है ना? विशेषोक्तिरखंडेशु कारणेषु फलावचः, क्रियाया प्रतिषेधेपि फलव्यक्तिर्विभावना। क्या होता है? क्रियाया प्रतिषेधेपि फलव्यक्तिर्विभावना। अविशेषोक्ति का विशेषोक्तिरखंडेषु कारणेषु फलावचः, आपका ए आंसर है, सही करें? ए आंसर है, ठीक है। अभिभावना का लक्षण बता दिया मैंने आपको। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 41। शिखरिणी क्वानु नाम कियच्चिरं किमभिधानं धानमसा वकरोत् तपः। शिखरिणी क्वनु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसा वकरोत् तपः। 41 नंबर आपका प्रश्न है और ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ये कहाँ आया है? तो विवक्षितान्य परवाच्य के प्रसंग में। किसके? विवक्षितान्य परवाच्य के प्रसंग में ऐसा कहा है। विवक्षितान्य परवाच्य के प्रसंग में ऐसा कहा है, क्या कहा है? शिखरिणी क्वनु नाम कियच्चिरं किमभिधान मसावकरोत् तपः, ध्वन्यालोक से पूछा है। कहां से? ध्वन्यालोक से पूछा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, और कह रहे हैं कालक्रमानुसारम तालिकाम चिनुत, काल क्रम के अनुसार तालिका का चयन कीजिए। क्या कह रहे हैं? काल क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन हुए भैया? भरत हुए कि नहीं हुए बताइए? सबसे पहले भरत हुए, भरत दो हर जगह दे दिया, और भरत के बाद कौन हुए ये आपको बताना है। अब भरत के बाद हुए आपके वामन, भरत के बाद कौन हो जाएंगे? भरत के बाद वामन हो जाएंगे, और वामन के बाद कौन हो जाएंगे? अप्पय्य दीक्षित, और अप्पय्य दीक्षित के बाद कौन हो जाएंगे? वामन के बाद विश्वनाथ कविराज, और विश्वनाथ कविराज के बाद कौन हो जाएंगे? अप्पय्य दीक्षित। तो पहले कौन? भरत, और भरत के बाद कौन हो जाएंगे? वामन। तो भरत, भरत एक नंबर, वामन दो नंबर, और विश्वनाथ कविराज तीन नंबर, और अप्पय्य दीक्षित चार नंबर, हुए कि नहीं हुए? तो एक अब बनेगा कैसे? देखिए, दो चार तीन एक, दो चार तीन एक, ये होगा ना पहला वाला, यही सही है ना आचार्य? आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रारभ्य तेन खलो वेग्ना भयेन नीचय, प्रारभ्य वेग्ना विहता विरमन्तेन मध्या। मुद्रा राक्षसे कस्येय मुक्ते, मुद्रा राक्षस में यह उक्ति किसकी है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कह रहे हैं कि विराध गुप्त की। किसकी है? विराध गुप्त की है, सही हुआ कि नहीं हुआ? किसकी है? विराध गुप्त की है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। सिद्धेर भ्रांतिर्नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तु, सिद्धि की भ्रांति नहीं, सिद्धेर भ्रांतिर नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास मर्तु इत्युक्ति ही रत्नावल्याम केन संबद्धा वर्तते। तो भैया योगंधरायणेन, केन? है ना आचार्य जी? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, 45 नंबर प्रश्न है। दिया दस रूप का अनुसारम बीज वंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थम उपनीयन्ते, एकार्थम उपनीयन्ते। तो तत्किम निर्वहण संधि, किसके बारे में कहा गया है? निर्वहण संधि। संधियां कितनी होती हैं? पांच, मुख प्रतिमुख गर्भ निर्वहण विमर्श, ऐसे ही भिन्न भिन्न नाम है, पांच संधियां हैं। कितनी है? पांच संधियां हैं, और क्रम से सबके 12 13 12 13 14 अंग हैं।
बारह तेरह, बारह तेरह चौदह, ठीक है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 46 नंबर है। प्रशंसात उन्मुखीकरणम किम, पूछ रहे प्रशंसात उन्मुखीकरणम किम, प्रशंसात उन्मुखीकरणम प्ररोचना, प्रशंसा तो उन्मुखीकरणम किम भवति, प्ररोचना भवति, क्या होता है, प्ररोचना होता है, क्या होता है, प्ररोचना। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या दिया है, तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम परमाणुष्वेव पाको न द्व्यणुकादावपि, द्व्यणुकात परमाणुषु अपि पाको न, कह रहे तर्क संग्रह दीपिका के अनुसार यह ती केशाम मते, किसके मत में है, ये मत आपसे पूछा जा रहा है, ये मत जो है आपको बताना है। तो कह रहे हैं कि वैशेषिका नाम मतम, किसका मत है, वैशेषिका नाम। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 48 नंबर प्रश्न, कह रहे हैं तर्क संग्रहानुसारम आत्ममात्र विशेष गुणेशु कस्य परिगणनम नास्ते, कस्य परिगणनम नास्ते, स्थिति स्थापक संस्कारस्य, ठीक है। तर्क संग्रह के अनुसार आत्ममात्र विशेष गुणों में, आत्ममात्र जो विशेष गुण है उनमें किसका परिगण नहीं होता है, बुद्धि का भी होता है, इच्छा का होता है, धर्म का होता है, ऐसे कई चीजें होती हैं उनका होता है, पर स्थिति स्थापक संस्कार से इसका परिगणन नहीं होता है। आत्ममात्र के विशेष गुण जो है, आत्ममात्र के विशेष गुण कुछ बताए गए हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा तर्क भाषानुसारम, तर्क भाषानुसारम प्रमायाः करणम किम भवति, प्रमा का करण क्या होता है, तर्क भाषा के अनुसार प्रमा का करण क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रमा का करण, भाई प्रमा का करण कौन, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब इंद्रिय का संयोग नहीं होगा तो प्रत्यक्ष कैसे होगा, भैया अंधे हैं छुएंगे नहीं कैसे, स्पर्श का संयोग स्पर्शानुकूल व्यापार नहीं होगा, मतलब आप छुएंगे नहीं कैसे पता करेंगे गर्म है ठंडा है, अनुभूति का इंद्रिय संयोग आवश्यक। तो करण किम, प्रमायाः करणम किम भवति, इंद्रिय संयोग होता है, इंद्रिय संयोग होगा तर्क तर्क करेंगे आप, तब आपको प्रमेय मिलेगा, तब आप प्रमाता कहलाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, 50 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा है, देखिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली का यह प्रश्न है, व्याप्यस्य पक्षवर्तित्वधीहि किम उच्यते, व्याप्यस्य पक्षवर्तित्वधीहि परामर्शः उच्यते, किम व्याप्यस्य पक्षवर्तित्वधीहि परामर्श उच्यते, कारिकावली में साफ साफ लिख दिया व्याप्यस्य पक्षवर्तित्व, कुछ कारिकाएं हैं इनको आपको एक दो दिन आप आवृत्ति करेंगे आपको न्याय सिद्धांत मुक्तावली के सारे प्रश्न आ जाएंगे, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप रट लीजिए, व्याप्यस्य पक्षवर्तित्वधीहि परामर्शः उच्यते हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, महीमित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा, ये मंत्र है, हम गा के बोल दिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, महीमित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा, यह मंत्रांश है, मही शब्द आया है और एक ही सूक्त ऐसा लगा है, तो उषा होगी कि नहीं होगी, देखिए मक्खी भी आपको पढ़ा रही है, मतलब पढ़ने का महत्व आप समझिए, हट जाओ बेटा बेटी, अच्छा ये बेटी होगी, तो ये उषा सूक्त का हुआ, मही है, इकलौती मही है, तो उषा सूक्त केवल लगा है। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, 52 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है कि ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्त से कह ऋषिरस्ति, ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्त का ऋषि कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो अत्रि ऋषि है, अभी उससे पहले आपने जाना था पृथ्वी सूक्त के ऋषि कौन है, परमेष्ठी प्रजापति ऋषि हैं, 63 मंत्र हैं, उसी तरह आप पूछ रहे पर्जन्य सूक्त का ऋषि कौन है, तो अत्रि ऋषि हैं परम, और अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, मधुच्छंदा है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, अगले देखिए 53 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है यजुर्वेदीय शिव संकल्प मंत्राणाम का देवता, शिव संकल्प मंत्र के देवता कौन है, ऋषि नहीं पूछ रहा है, देवता तो मनस ही होंगे ना, शिव संकल्प मन, शिव संकल्प यानी कि मन, मनस देवता हो गए। आइए जिसकी स्तुति होती है मंत्रों में वही देवता होता है, अग्नि सूक्त के देवता अग्नि देवता,
चौवन नंबर मंत्र देखिए, चौवन नंबर मंत्र नहीं प्रश्न देखिए, क्या कह रहे हैं। ऋग्वेदी प्रातिशाख्य अनुसारम रक्त संज्ञका के संति, तो बोल रहे हैं रक्त संज्ञो अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, रक्त संज्ञक होते हैं। डी वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, रक्त संज्ञो अनुनासिक। अष्टौ समानाक्षराण्यादितः ततश्चत्वारिद्युक्षराणि संध्यक्षराणि, ततश्चत्वारुणी आठ में जो चार बाद वाले होते हैं, संध्यक्षराणि ततश्चत्वारिद्युक्षराणि संध्यक्षराणि उत्तराण्यक्षराणि, उनके मतलब आठ हैं, तो छठे से आप किससे चालू करेंगे, पांचवे से चालू करेंगे ना, पांच छह सात आठ, तो वो संध्याक्षर हैं, ये अनुनासिक वर्ण है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, देखिएगा 55 नंबर प्रश्न देखिएगा। तिस्रे एव देवता कथन किसका भैया, निरुक्त का कथन है कि तिस्रे एव देवता, ये किसका कथन है, निरुक्त का कथन है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस कांड में है, तो देवताओं का चल रहा है विषय, देवत कांड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैवत कांड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैवत कांड आ जाएगा। ऋक् प्रातिशाख्य ऋग्वेद का, ऋक् तंत्र सामवेद का, है ना, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त अथर्ववेद में। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा 56 नंबर प्रश्न है। जन्मादयो विकारा ब्रह्मणा काम शक्ति उपाश्रिता भवन्ति, जन्मादि विकार जो होते हैं ब्रह्म की किस शक्ति पे उपाश्रित तो होते हैं, या किस शक्ति के उपाश्रित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मक्की रानी लिख रही हैं, तो आवरण शक्ति के कि आध्यात्मिक शक्ति के कि काल शक्ति के कि भिन्नात्मिका कोई कुछ और ही शक्ति है उस शक्ति के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, काल शक्ति के, किसके, काल शक्ति के, ये वाला सही हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा 57 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है अत्रातीत विपर्यासा केवला मनुपश्यते, अत्रातीत विपर्यासः, अत्रातीत विपर्यासः केवला मनुपश्यते, छंदस्य छंदस्य छंदसाम योनिमात्मा छंदोमयीं तनुम, छंदस्य छंदसाम, मैं इतनी बार इसलिए बोल देता हूँ कि भाई याद आ जाए, भूले भटके आ गया प्रश्न तो आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। छंदस्य छंदसाम योनि मात्मा छंदोमयीं तनुमस्याम कारिकायाम, छंदस्य इत्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः, छंदस्य दिया है ना, और वैसे बनता क्या है, उस वाले छंद की बात करें छंदसा भी बन जाता है, यहाँ छंदस्य दिया है, इत्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः, 57 नंबर आपका प्रश्न है, पूछ रहे हैं इसका क्या अर्थ होगा, तो कहेंगे कि वेदार्थ ग्रहण समर्थः, छंदस शब्द का अर्थ क्या, छंदस्य इसका वेदार्थ ग्रहण समर्थः, वेदार्थ ग्रहण समर्थः ऐसा अर्थ होगा, वाक्य पदीय का है, कहाँ का है, वाक्य पदीय का है। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलिए, देखिएगा 58 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया है स्फोट भेदवान कथम प्रतीयते, भिन्न द्रव्यानाम अभिव्यक्ति साधना, भिन्न द्रव्यों के, द्रव्य होते हैं कई सारे, अभिव्यक्ति साधन से, भिन्नोच्चारण से, विभिन्नार्थेषु प्रयोगात, अलग अलग अर्थों में प्रयोग करने से, नादस्य क्रमजन्मत्वात्, नाद के क्रमजन्यत्व के कारण, तो कह रहे हैं कि स्फोटः भेदवान कथम प्रतीयते, कैसे प्रतीत होता है, तो कहते हैं नादस्य क्रमजन्मत्वात्, नादस्य क्रमजन्मत्वात् भेदः स्फोटः भेदवान प्रतीयते, नादस्य क्रमजन्मत्वात् क्रमजन्मत्वात् स्फोटः वेदवान प्रतीयते, ऐसा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है 60 नंबर प्रश्न है, कितना है, वाह मक्खी महारानी वाह, ये हो गया, उठो 59 नंबर है ना, मक्खियां देखिए परेशान कर देती हैं, और हम तो नहीं चाहते कि आप परेशान हो। आ गया, हाँ देखिए लिखा है एषु उदाहरणेषु, इन उदाहरणों में वैशिकाधारस वैश वैशिका वैशिकाधारस्य उदाहरणम, वैशिक उदाहरण का विषय मोक्ष इच्छा अस्ते, तीन आधार होते हैं औपश्लेषिक वैशिक और अभिव्यापक, औपश्लेषिक भैया कटे आस्ते, औपश्लेषिक
मोक्षे इच्छा अस्ति, वैषयिक और कौन सा बचा, अभिव्यापक, तिलेषु तैलम, औपश्लेषिक, उपसमीपे श्लिष्टः। औपश्लेषिक शब्द से डरा मत करिए, उपसमीपे श्लिष्टः, पास में है, चिपका है, बैठा है। कटे आस्ते, अब भैया कटे मतलब बैठा है ना चिपक के उस पे। आसंदे आस्ते, होगा कि नहीं होगा, आइए बीच बीच में मक्खियां भी आपको पढ़ा रही, पढ़ते रहिएगा। अब देखिए ये 60 नंबर, वाह अपने आप लगा के चली गई, दिख रहे हैं कहीं की दिक्कत ना हो थोड़ा सा भी पढ़ाने में। देखिए दे रहे हैं, पाणिनि शिक्षा अनुसार उदात्त स्वर उच्चारण काले हस्ता कुत्र देयः। हस उदात्त स्वर के उच्चारण काल में भैया कर्ण मूल है, देखिए कर्ण मूल है, कर्ण मूल क्या है, मूर्धनि है। देखिए देखिए देखिए, मूर्धनि है, क्या है, मूर्धनि, मेरा बताने का वही अर्थ था मूर्धनि, और मैं कर्ण मूल में चला गया, कहाँ गया था, कर्ण मूल। मूर्धनि देया, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उदात्त स्वर का उच्चारण काल कहाँ से करना चाहिए, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, तो मूर्धा से करना चाहिए। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, 61 नंबर देखिएगा। व्यास भाष्य अनुसारेण का उक्ति सत्य, व्यास भाष्य के अनुसार, व्यास भाष्य है उसके अनुसार कौन सी उक्ति सत्य है ये आपसे पूछना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम, ये होगा कि अन्य तीन होंगे, जाहिर सी बात है आपका यही होगा। ऐसे व्यास भाष्य के अनुसार केवल हम सही जान लेते हैं, चूंकि गलत की संख्या ज्यादा है। चित्तम ही प्रख्या, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम, चित्तम ही चित्त तो प्रख्या प्रवृत्तिशीलत्वात्, प्रख्या प्रवृत्ति शीलत्वात्, प्रख्या प्रवृत्तिशील वाला होने से त्रिगुणम तीन प्रकार का है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, 62 नंबर प्रश्न देखिएगा। ब्रह्मसूत्र से रचयिता कोस्ति, ब्रह्मसूत्र का रचयिता कौन है, बादरायण है। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, कपिल, सांख्य, सदानंद, वेदांत सार। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, अगला देखिएगा 63 नंबर प्रश्न। शब्द प्रमाण से फलम किम भवति, शब्द प्रमाण का फल क्या होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। वाक्यार्थ, वाक्यार्थ ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण से क्या होता है, वाक्यार्थ ज्ञान होता है, ये वाला सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 64 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याम साध्य शून्यो यत्र, साध्य शून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाध उदारता, साध्य शून्यो यत्र पक्षातु असौ बाध उदारता, उसे बाध कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस केवल आप जो है 2-4 बार आवृत्ति कर लीजिए, आपको आ जाएगा। असौ बाध उदाहृतः साध्य शून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाध उदाहृतः व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामर्शः। आइए अगला प्रश्न दे दें, 65 नंबर देखिएगा। बौद्ध दर्शने भावना चतुष्टय किम नोपदिष्टम, बौद्ध दर्शन में भावना के चतुष्टय में क्या नहीं कहा गया, किसका उपदेश नहीं दिया गया है। 65 नंबर आपका है, तो अगर किसका उपदेश नहीं दिया गया है, सामान्यम सामान्यम का नहीं दिया गया, किसका नहीं दिया गया है, सामान्यम सामान्यम का नहीं दिया गया, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम कहा गया। बौद्ध दर्शन के भावना चतुष्टय जो है उसमें कहा गया सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब क्षणिक है क्षणिक है। फिर कहा गया स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सब स्वलक्षण वाला है स्वलक्षण वाला है। शून्यम शून्यम, सब शून्य है शून्य है, पर ये नहीं कहा है सामान्यम सामान्यम। तो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, स्वलक्षणम स्वलक्षणम, शून्यम शून्यम, ये मानिए भावना चतुष्टय में आता है। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, 66 नंबर प्रश्न है आपका। यहाँ लिखा है, शयिता सविधे प्यनीश्वरा, शयिता सविधे अपि अनीश्वरा सफली कर्तु महो मनोरथान, पंडित राज जगन्नाथ। भैया आप सिलेबस में नहीं रहे फिर भी देख लीजिए, पंडित राज जगन्नाथ है ना, कस्य काव्य से उदाहरण रूपे उद्धृतोयम, किस काव्य के उदाहरण रूप में यह श्लोक जो है उद्धृत किया है। 66 नंबर आपका है, तो कह रहे हैं किसका है, उत्तमोत्तम का, चार काव्य माने हैं ना इन्होंने, उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम अधम। तो देखिए, सहिता सविदे अप्यनीश्वरा सफली कर तुम हो मनोरथान, सहिता सविधे अपि अनीश्वरा
सफली कर तुम हो मनोरथान, उत्तमोत्तम का है, किसका है, उत्तमोत्तम का है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिएगा 67 नंबर प्रश्न है, लिखा है उपकारत्वाद अलंकार सप्तमंगम सप्तममंगम इति यायावरीयः उक्तिरियम कुत्र अस्ति, ऐसा पूछ रहे हैं 67 नंबर का, यह उक्ति कहाँ है। तो कह रहे हैं कि काव्य मीमांसा में कहाँ है, या भी सिलेबस में नहीं रहा है। आइए अगले प्रश्न पे चलिए, 68 नंबर प्रश्न है वक्रोक्ति जीवित के अनुसार का कवि व्यापार वक्रत्व प्रकारा कति भवन्ति, षड भवन्ति, कितने होते हैं, सही कह रहे हैं आचार्य। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए, 69 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है काव्य प्रकाश के अनुसार श्रृंगारे द्युति कारणम आह्लाद कारकत्वं च कश्यम माधुर्य, किसका है, माधुर्यस्य, किसका है, माधुर्यस्य, किसका है, माधुर्यस्य, भाई बताए गए हैं गुण, गुण है ना, तो माधुर्य का आह्लादकत्वम श्रृंगारे श्रृंगारे द्रुतिकारणम आह्लादकत्वम कस्य माधुर्यस्य। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, अगला देखिएगा दिया पंडित राज जगन्नाथ मते काव्यस्य कति भेदाः स्वीकृत, जगन्नाथ ने कितने काव्य के भेद माने हैं, चार भेद माने हैं, उत्तमोत्तम मध्यम, सही कह रहे हैं, देखिए उत्तमोत्तम मध्यम उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम अधम है ना। आइए अगले प्रश्न पर आइए, अगला देखिएगा 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा है ब्राह्मी लिपे है ब्राह्मी लिपे उद्वाचन है प्रथमाम सफलताम का प्राप्तवान, ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में सबसे पहली सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को, सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 72 नंबर दिया हुआ है अशोकस्य शिलालेखानां भाषा का अस्ति, अशोक के शिलालेख की भाषा कौन सी है, तो ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे, कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है, कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है, कौन सी भाषा है भैया, प्राकृत भाषा है, लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, 73 नंबर कुत्र अशोकस्य नाम प्रदत्तम, कहाँ अशोक का नाम दिया गया, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, मास के शिलालेख में दिया गया, कहाँ दिया गया है, मास के शिलालेख में, ये वाला प्रश्न सही हो गया ये वाला। आइए अगले प्रश्न पर चलिए, 74 नंबर प्रश्न देखिएगा कि गिरनारस्य तड़ागे न संबद्धो नासीत, गिरनार के तड़ागे न संबद्धो ना संबद्ध नहीं था, कौन संबद्ध नहीं था, तो कह रहे कनिष्का कुषाण, कौन, कनिष्का कुषाण, ये कनिष्क कुषाण जो है संबद्ध नहीं थे, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य अशोक मौर्य और रुद्रदामा शक, ये जो है गिरनार का जो तड़ाग से संबंध अभिलेख, मतलब गिरनार से तड़ाग इन गिरनार के तड़ाग से संबंधित थे और कनिष्क कुषाण से संबंधित नहीं था। अगले वाले प्रश्न पर चलिए, 75 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है अत्र वर्तते कालिदासस्य नामोल्लेखः, कालिदास का नामोल्लेख कहाँ है आपसे पूछा जा रहा है, तो पुलकेशिन द्वितीय से पुलकेश द्वितीय से एहोल शिलालेख में यहाँ कालिदास का नाम है। आशा करता हूँ आपको आनंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, थोड़ा हमने पढ़ाया, थोड़ा ये मक्खियों ने पढ़ाया। लाइव क्लास सुबह 8 बजे शाम 8 बजे हमेशा देखें, आपके काम आएगी, और आशा करते हैं आप जहाँ पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार संस्कृताय।